सुसु डार्लिंग, मैं आ गया। अरे ये क्या अखबार हिला के क्यों हवा खा रही हो? भी पंखा ऑन करो। पंखा नहीं चल रहा है, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ओहो, क्यों? टीवी पर कोई अच्छा प्रोग्राम चल रहा था क्या? मतलब टीवी पर जब भी कोई अच्छा प्रोग्राम होता है उस वक्त ही बिजली चली जाती है ना? नहीं नहीं, हमारी बिजली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने काट दी है। क्यों क्यों क्या? पिछले 4 महीने से बिल भरा है तुमने? 2 बार मुझसे पैसे ले गए बिल के लिए। हो ना हो दीदी, इन्होंने उन रुपयों से प्रोफेसर शीतल को डिनर करवाया होगा। क्या बकवास कर रहा है? और इतना गिल्ला क्यों है? कपड़े पहन कर नहाया क्या? ये पानी नहीं पसीना है जीजू। लालू मैं जा रही हूँ। कहाँ? जब तक तुम बिजली का इंतजाम नहीं करते मैं गार्डन में बैठी रहूंगी। अरे लेकिन मैं कहाँ से इंतजाम करूंगा डार्लिंग, मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन थोड़ी हूँ। ये क्या तमाशा लगा रखा है जीजू, आप एक मामूली इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भर सकते? मामूली बिल? मामूली बिल? कितने का बिल है तू जानता है? 3000 रुपए का। और 3000 रुपए का क्यों है तू जानता है? क्यों? दिन भर तू म्यूजिक सिस्टम चलाता रहता है और ये दिन भर टीवी देखती रहती है। अरे जीजू आप फौरन कुछ कीजिए जीजू, वरना हमारे इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ भाई? अरे क्या क्या करूँ, जब तक रिकनेक्शन नहीं होता है अड़ोस पड़ोस के किसी दोस्त के यहाँ जाकर टेम्पररी कनेक्शन ले लो। लेकिन सोसाइटी में तो मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है और वो है पांडे। अरे वाह, पांडू चाचा हमारी मदद जरूर करेंगे। पांडू चाचा? हाँ जीजू, आफ्टर ऑल मेरे होने वाले साले चाचा है। नहीं लालू, पांडे के यहाँ मत जाना, नहीं तो ऐश्वर्या को मुझे नीचा दिखाने का एक और मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अखबार हिलाती रहो। दीदी ऐश्वर्या को कैसे पता चलेगा, वो तो मैके गई है। अरे मैं तो भूल ही गई थी, जाओ जाओ लालू पांडे को पूछ के देखो। हाँ लेकिन उसे ये मत कहना कि ये तुम मेरी इजाजत से कर रहे हो, समझे? ओके। जाओ ना। हाँ जाता हूँ ना। एक बात बताओ सुसु डार्लिंग। क्या? मैं तुम्हारा पति हूँ या नौकर हूँ? तुम मेरे लालू हो। अब जाओ। जाता। नहीं नहीं यार, ऐश्वर्या की इजाजत के बिना मैं तुम्हें बिजली का कनेक्शन नहीं दे सकता। वैसे भी ऐश्वर्या मायके गई हुई है। अरे मायके गई है तो क्या हुआ पांडे, फोन करके तू परमिशन नहीं ले सकता? पागल हो गया क्या? जैसे ही ऐश्वर्या को पता चलेगा कि मैं सुष्मिता की मदद कर रहा हूँ तो मायके से वापस आ जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि वो इतनी जल्दी वापस आ जाए। लेकिन भैया एक ही दिन का तो सवाल है, वैसे भी कल लोग बिल भर ही देंगे, क्यों सचिन? और नहीं तो क्या? अरे वो तो अनफॉर्चुनेटली काउंटर बंद हो गए, वरना बिल तो हम भरने वाले थे। क्यों जीजू? हां फिर क्या? अरे देशपांडे तुम्हारे घर में अंधेरा? बिजली कट गई है ना जोशी। नो प्रॉब्लम, अरे एक दिन के लिए पांडे से उधार ले लो। वो मना कर रहा है। ए पांडे, पांडे दिस इज नॉट फेयर। अरे ऐसे वक्त पर दोस्त की मदद नहीं करोगे तो कब करोगे? प्लीज भैया। प्लीज साले जी। साले जी? यस ब्रदर इन लॉ। देश पांडे तेरा साला मेरे साथ इस तरह बात करा जैसे इसकी शादी मेरी बहन के साथ हो गई है। अरे शादी तो ऑलमोस्ट हो ही गई है, सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटीज रह गई। चुप बैठ चक्रम, जो आदमी हमें बिजली नहीं दे रहा है उसके घर में हम बारात लेकर आएंगे? आखिर हम लड़के वाले हैं। अच्छा कोई बात नहीं यार, तू ले ले यार कनेक्शन। नहीं हमें नहीं चाहिए कनेक्शन वनेक्शन, हम लड़के वाले हैं। नाराज क्यों होता है यार, जा इलेक्ट्रिशियन लेके आ जाए। नहीं इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ वो काम। वो कैसे? पिछले 6 महीने से मेरा मीटर कट गया था, मैं तुम्हारे कनेक्शन से ही चुरा रहा था। क्या? कहाँ रखा है, एक भी नहीं रहा है कुछ। ओह सुसु डार्लिंग, तुम ये मोमबत्ती पकड़ के क्या ढूंढ रही हो? मैं टीवी का रिमोट देख रही हूँ। ओहो अभी तक बिजली आई है? नहीं। तो टीवी कैसे देखोगी? और ऐसे मोमबत्ती पकड़ कर इधर उधर मत घुमा करो, कहीं मेरा हार्ट बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि अंधेरे में मोमबत्ती के साथ तुम बिल्कुल वो कौन थी लग रही हो। लालू! अरे अरे लाइट आ गई, सचिन सचिन! वाह! लाइट आ गई। हाँ दीदी मेरा म्यूजिक सिस्टम भी ऑन हो गया। लेकिन खुश होने की कोई जरूरत नहीं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हमें ये कनेक्शन पांडे जी के घर से लिया है। पांडे ने लाइन दी है। चलो जल्दी से खाना लगाओ, खाना लगाओ। नहीं नहीं पहले टीवी देखेंगे। टीवी? एक मिनट एक मिनट। हेलो, ओ थैंक यू पांडे दोस्त, आज तेरी वजह से मेरे घर में लाइट आ गई। हाँ थैंक यू, आज मैं उजाले में खाना खाऊंगा। अरे तू जानता है पिछले 2-3 दिन से अंधेरे में मेरी बीवी मुझे क्या खिला रही थी, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। देश पांडे तेरे घर में म्यूजिक सिस्टम चल रहा है? हाँ कैसा लगा? कैसा लग रहा है कि बच्चे, मैंने तेरे को बिजली दी है घर में उजाला करने के लिए, म्यूजिक सिस्टम सुनने के लिए नहीं। ओह सॉरी सॉरी। ए सचिन जी म्यूजिक बंद कर, म्यूजिक बंद कर। ओके म्यूजिक बंद करवा दिया। और ये सुष्मिता टीवी क्यों देख रही है? ए पांडे तो मेरे घर की तरफ दूरबीन लगा के बैठ रहा है। अगर तू मेरी बिजली का इसी तरह इस्तेमाल करता रहेगा तो मेरा तो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा ना, और फिर ऐश्वर्या को पता चल जाएगा। अरे क्या ऐश्वर्या ऐश्वर्या कर रहा है, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे दुनिया में सिर्फ तेरी एक बीवी है। बिजली क्या दे दी तेरे घर में, तेरे तो तेवर ही बदल गए। और ये मत बोल तेरे घर का स्विच मेरे हाथ में है। नहीं नहीं पांडे ऐसा मत करना, मैं अभी अपनी बीवी को डांटता हूँ। सुष्मिता फौरन टीवी बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो जहाँ से पांडे हमारे टीवी को देख रहा है। सचिन जाओ खिड़की बंद कर दो। ओके पांडे सब कुछ बंद करवा दिया। हाँ ओके गुड नाइट, तू फिकर मत कर, मैं कम से कम बिजली इस्तेमाल करूंगा। लाइट बंद कर और आराम से सो जा। पहले तू बंद कर। ओके ओके
सचिन सचिन दीदी बंद कर दी कर दी अब बिजली की सारी चीजें ऑन कर दो ओके जाने दो पांडे की सैलरी इस बार इलेक्ट्रिसिटी बिल में चलो खाना खाते नहीं नहीं टीवी देखेंगे ओके टीवी देखते हैं ये कौन सा प्रोग्राम चल रहा है वो तो मालूम नहीं लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम है देखते हैं देखते हैं चलो दीदी चीजू मैंने सारी स्विचेस ऑन कर दी वेरी गुड वेरी गुड मैगी बहुत खुश दिख रही हो वो क्या है ना सर आज मेरा बर्थडे है मालूम अभी पिछले महीने जो तुम्हारा बर्थडे था मैंने तुम्हें 500 रुपए का गिफ्ट दिया था पता है बाद में पता चला कि वो 150 रुपए का है अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हर महीने तुम अपना बर्थडे मनाओ भाई हर महीने अपनी सालगिरह मनाओगी वो भी सैलरी के दिन तो सालगिरह नहीं सैलरी ग्रह हो जाएगा सर आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं मालूम नहीं नहीं मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ मैं तो अपना मजाक उड़ा रहा हूँ अच्छा ये बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए सर नाराज क्यों होती बताना मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए सर सर मैं आपसे गिफ्ट नहीं लूंगी सर आप एक काम कीजिए मुझे कैश दे दीजिए हाँ नहीं है तो कोई बात नहीं एक मिनट एक दो तीन चार पाँच ये लो 500 रुपया अपना मन पसंद गिफ्ट खरीद लेना ये लो मेरा मन पसंद गिफ्ट 5,000 से शुरू होता है सर फिलहाल मैं इसे काम चला लूंगी एनीवे थैंक यू सर इट्स ऑल राइट जा गिन लेना पिछली बार 600 चले गए थे हाँ उसमें एक नोट फटा हुआ था मैं आई कम इन पांडे देश पांडे नो यू कांट कम इन सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर आफ्टर ऑल वो आपके पड़ोसी दोस्त हैं इसीलिए तो कह रहा हूँ डोंट वरी मैगी हम दोनों के बीच तो ऐसा चलता ही रहता है बोलो कैसे आना हुआ देश पांडे तुमसे 1,000 बार मैंने कहा है जब मैं अपनी सेक्रेटरी से बात कर रहा हूँ तो तुम अंदर बताया करो अरे तेरी सेक्रेटरी तो तेरे साथ 24 घंटे रहती है तो मैं क्या करूँ 1 घंटे से तो मैं बाहर खड़ा हूँ सर मैं जाऊँ सर नहीं मैगी तुम यहीं रुकोगी क्या है मुझे एक चश्मदीद गवाह की जरूरत है वो किस लिए सर ये मेरे साथ कुछ भी कर सकता है इसका कोई भरोसा नहीं है नहीं नहीं पांडे ऐसी बात नहीं है दरअसल मैगी पांडे मुझे 3,000 रुपए उधार देने वाला है पांडे मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ मेरे दोस्त अरे यार तू तो हमेशा मुसीबत में होता है आगे बोल सुष्मिता ने मुझे 3,000 रुपए दिए थे बिजली का बिल भरने के लिए वो पैसे कहीं खो गए मैगी मैं बिल ना भर सका और मेरे घर की बिजली कट गई इसका मतलब अगर तूने बिल नहीं भरा तो मेरे घर की बिजली कट जाएगी इसलिए तो तेरे पास आया हूँ पांडे मतलब तू मुझे कहीं से 3,000 रुपए दे दे बिजली का बिल भरने के लिए मैं तुझे 24 घंटे में लौटा दूँ मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं है क्यों झूठ बोल रहा है इसे 500 रुपए के नोट गिन गिन के दिए ना मैं खिड़की से सब कुछ देख रहा था मेरा मतलब है मेरे पास 2,500 रुपए 3,000 नहीं है तो चलेगा ना 2,500 दे दे 500 मैगी से ले लूंगा 24 घंटे में लौटा दूंगा वैसे मैगी मैंने खिड़की से कुछ नहीं देखा सुसु डार्लिंग मैं कॉलेज जा रहा हूँ लालू लालू तुमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर दिया हाँ वो 3,000 रुपए तो मैंने कल ही भर दिए 3,000 रुपए लेकिन तुम्हारे पास आए कहाँ से वो पांडे से उधार ले लिए थे ना ओ माय गॉड डार्लिंग हमारे जॉइंट अकाउंट में कितने पैसे हैं हमारा कोई जॉइंट अकाउंट ही नहीं है तो उसमें पैसे कहाँ से आएंगे ओह नो अब मैं पांडे को मुंह कैसे दिखाऊंगा क्यों अरे मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि 24 घंटे के अंदर ये सारे पैसे मैं उसे दे दूंगा ये तुमने क्या किया लालू अरे ऐसा नहीं करता ना तो वो मुझे पैसे ही नहीं देता दीदी अरे जीजू आप घर पर ही है क्या इडियट ये कैसा सवाल है तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं घर पर ही हूँ अरे मेरा मतलब ये है कि रिचा के भाई साहब आपसे मिलने आ रहे ओह माय गॉड मैं तो घर पर हूँ डार्लिंग जल्दी से झगड़ा शुरू करो क्यों 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 मत पूछो जल्दी से झगड़ा शुरू करो अरे लेकिन हमारे झगड़े की कोई वजह भी तो होनी चाहिए कि नहीं हमारे झगड़े की कोई वजह होती है क्या बेवकूफ बेवकूफ ए बेवकूफ हो गए तुम तुम्हारा खानदान शुरू हो गया खानदान का नाम मत लेना तुम चुप रहो पांडे खानदान का नाम मत लेना कैसी बीवी हो तुम मेरा कॉलेज जाने का टाइम हो गया अभी तक चाय पानी तैयार नहीं है नाश्ता तैयार नहीं है ए, तुम्हारी माँ ने भी कभी इतना जल्दी नाश्ता दिया था कि तुम्हें बोलो पांडे क्या है मेरा मेरी बीवी के साथ झगड़ा चल रहा है तुम्हें बहुत जल्दी है क्या नहीं नहीं चलने दो मैं रुक सकता हूँ वैसे कोई खास काम है वो मेरे 3,000 रुपए कैसी बीवी हो तुम कैसी बीवी हो जाओ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो पांडे के लिए चाय लेकर आओ लाती हूँ जब देखो मुझे डांटते रहते हो मेरे तो भाग ही फूट गए झगड़ा तो मेरी बीवी ऐश्वर्या भी नहीं करती है
देश पांडे मैं तुझे कॉलेज में मिलता हूँ। ओके। वैसे अगर शांति हो गई है तो 3000 रुपए। अरे आप रोना थोड़ा बंद करो, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे कोई पड़ोसी मर गया हो। आजा आजा आजा। क्या एक्टिंग की डाले, यू आर ग्रेट एक्टर। देश पांडे। ओह माय गॉड, लगता है पांडे पैसे लेने के लिए आ गया। छुपना पड़ेगा। देश पांडे नहीं आए। आज बाहर आ जा, बाहर आ जा। शाबाश मेरा दोस्त, ये नाटक बहुत पुराना हो चुका है। आजा बाहर। वैसे पांडे में छुप नहीं गया था, दरअसल मेरा पेन नीचे गिर गया। अच्छा पेन नीचे गिर गया है, लेकिन देश पांडे पेन तुझे पड़ा है। देखा पांडे ऐसा हो जाता है, ये प्रोफेसर की नौकरी करते करते इंसान इतना भुलक्कड़ हो जाता है। बहुत ही डिफिकल्ट नौकरी है ना। मैं देख रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, इसलिए तू मेरे 3000 रुपए देना भी भूल रहा है। वो तू 3000 रुपए लेने के लिए आया है, अभी देता हूँ ये ले। अरे मैं तो सुबह से सोच रहा हूँ तुझे पैसे कैसे लौटाऊ। ओह क्या हुआ, मुझे लगता है कहीं भूल गया हूँ। घर पर ही भूल गया हो। क्या हुआ पांडे, आज सुबह सुबह सुष्मिता के साथ झगड़ा हो गया था ना, बहुत बड़ा झगड़ा, तो टेंशन में घर पर ही भूल गया मैं। मैंने देखा था, पलट के भी देखा था, तुम दोनों हाथ मिला रहे थे। नहीं वो क्या है, मैं और सुष्मिता किसी भी झगड़े को ज्यादा देर तक खींचते नहीं। रात गई सो बात गई, लेकिन शाम को लौटा होता हूँ, घर पर आके तेरे पैसे लौटा दो। ओके डोंट वरी पांडे। ओ हो, प्रैक्टिकल का वक्त हो गया, तू एक काम कर पांडे, आराम से बैठ, चाय वाय मंगा, मैं प्रैक्टिकल लेके आता हूँ, बाद में साथ में घर चलेंगे। ओके बेचारा भला आदमी है, मैं तो खाम खा इस पे शक कर रहा था, शाम को आके देगा मुझे पूरे 3000 रुपया वापस। पांडे जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, देश पांडे जी से मिलने आया था, उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी। लेकिन देश पांडे जी तो अभी अभी पिछले दरवाजे से घर चले गए। लेकिन वो तो बोल के गए हैं कि प्रैक्टिकल्स लेने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल्स? प्रैक्टिकल्स तो साइंस के प्रोफेसर लेते हैं, वो तो आर्ट्स के प्रोफेसर हैं। देश पांडे। हाय रिचू जानू, कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या कह रही हो, मेरी जीजू बंडलबाज है? नहीं नहीं तुम गलत कह रही हो, एक्चुअली यू नो बंडल मारने के लिए ना अकल की जरूरत होती है। क्या बकवास कर रहा है? तो आप सुन रहे थे, मैं तो मजाक कर रहा था जीजू, एक्सक्यूज मी। लालू 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 पांडे आ रहा है। क्या कह रही है? हाँ अभी अभी मैंने उसे वॉचमैन को धक्का देके अंदर आते हुए देखा है। अब क्या करोगे? अब मैं बीमार हो जाऊंगा। और एक नाटक? नाटक तो करना ही पड़ेगा ना, वरना वो 3000 रुपए वापस देने पड़ेंगे। कैसी बात कर रहे हो लालू, कल तुम्हारी सैलरी है, जैसे पैसे आ जाएंगे उसे लौटा देना। क्या सैलरी है, भूल गई इस महीने में तुम्हारा जन्मदिन है? 3000 रुपए लौटाऊंगा, तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट कहाँ से लाऊंगा? लालू यू सो स्वीट। क्या हुआ सुष्मिता? देखो ना, जब से कॉलेज से आए इनकी तबीयत खराब हो गई है। प्रैक्टिकल्स का प्रेशर। क्या हो रहा है इसे? उल्टा बुखार, रिवर्स फीवर। मतलब ठंडा बुखार। कौन आया है? लालू पांडे जी आए हैं तुमसे मिलने। पांडे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं बहुत ही सीरियस हूँ, मुझे हाथ लगा के देख। वो हाथ तो ठंडा है, खैर मेरे पैसे का क्या हुआ? आप तो देख रहे हैं मेरे हस्बैंड की हालत क्या है, और आपको पैसे की पड़ी है? रुक जाइए, मैं अभी मेरे गहने आपको लाके देती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगा। लालू तुम तो पक्के चीटर बन गए हो। देशपांडे जी, इस बार हमें तनख्वाह किस तारीख को मिलने वाली है? क्यों? वो नहीं, वो क्या है ना, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। अरे तो पहले क्यों नहीं कहा शीतल जी, मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद कर लेता। जी लेकिन अब नहीं कर सकता। क्या है, वो जो पांडे है जो हमारी सोसाइटी में रहता है, उसे आज ही मैंने थोड़े पैसे उधार दे दिए। लेकिन पांडे जी तो बैंक में मैनेजर है ना? हाँ वो पांडे बैंक में मैनेजर तो है, लेकिन क्या है उसे जुआ खेलने की आदत जो लगी हुई है। पांडे जी जुआ खेलते? अरे आप नहीं मानेंगे शीतल जी, पांडे की वाइफ रोज इस कंधे पर सर रख के रोती है। क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं वो ऐसा क्यों करेंगी? अरे उसे शराब पीने की आदत जो पड़ गई है। पांडे जी शराब पीते हैं? मुझे यकीन नहीं होता। अरे क्या यकीन नहीं होता, आप जानती है पांडे जब भी घर आता है पूरी सोसाइटी को पता चल जाता है इसने शराब पी है। वो कैसे? शराब की बू जो आती है। आपको भी कह देता हूँ, आपको जब भी कभी शराब की बू आए ना, आसपास देख लेना, आपको पांडे नजर आएगा। फिर अभी क्यों नहीं आ रही शराब की बू? क्योंकि पांडे जी तो आपके पीछे खड़े।
पापा पांडे, पापा पापा पांडे, पापा पांडे, तूने 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 सब कुछ सुन लिया? अगर तो तू मेरे पैसे दे रहा है तो मैंने कुछ नहीं सुना, अगर पैसे नहीं दे रहा है तो मैंने सब कुछ सुन लिया है। लेकिन पांडे जी, देश पांडे जी क्यों आपको पैसे देने लगे? पैसे तो आपने उनसे उधार लिए ना। पांडे, पांडे, मैं प्रिंसिपल को मिलके आता हूँ, एक अर्जेंट काम से बुलाया। मैं अभी आया, तू चाय पानी पी, मैं अभी आया। पांडे जी, आपने देश पांडे जी की सारी बातें सुन ली, आपको बुरा नहीं लगा? नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे मैं भी ऐसी बातें करता हूँ जैसा वो करता है। क्या? सर, आपने मुझे बुलाया? सर देश पांडे, तुम जानते हो मुझे काम होता, अभी तुम्हें नहीं बुलाता। ओ, मतलब आपने मुझे नहीं बुलाया? नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब आ ही गया हूँ तो छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। हाथ मत लगाओ किसी चीज को। लास्ट टाइम तुमने एक कागज को हाथ लगाया था, मेरी सैलरी गायब हो गई थी महीने भर की। ओ, ऐसा कौन सा कागज था सर? चेक था मेरी सैलरी का। ओ, लेकिन सर प्रॉब्लम ये है, क्या मैं बैठे बैठे बोर हो गया हूँ, मुझे कुछ काम दीजिए। क्लास में जाकर लेक्चर लो खड़े खड़े, स्टूडेंट्स सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वैसे तो पांडे का बच्चा भी मेरा इंतजार कर रहा है ना। नहीं कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। देश पांडे। अरे पांडे जी, आई आई। नमस्कार प्रिंसिपल साहब। देश पांडे बाहर चलता है या यहीं तेरा कचरा करूं? क्या बात है देश पांडे जी, बता दो। ए, तेरे 3,000 रुपए कहाँ भागने वाले हैं? अरे 3,000 रुपए तो हमारे प्रिंसिपल साहब भी दे देंगे। क्या क्या बात है? देखिए प्रिंसिपल साहब, 3,000 रुपया इन्होंने लिया था उसे 24 घंटे के लिए, अब मैं जब भी इससे पैसे मांगता हूँ दिवाली का नाटक करता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई। देश पांडे, क्या मैं जानता नहीं लोग 24 घंटे का ड्रामा क्यों करते हैं? अरे लोगों से उधार पैसा मांगने का ये आसान तरीका है, अगर शाम तक इनके 3,000 नहीं लौटाए तो तुम्हें कोलेज से निकाल दूंगा। सर आउट। सर गेट। सर क्या कह रहे हैं? देख लूंगा पांडू पांडिया। थैंक यू प्रिंसिपल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी इतनी मदद की। आपको कभी भी किस चीज की जरूरत हो ना आप मुझे बताइएगा। पांडे जी। हाँ जी। आपके पास 2,000 रुपए होंगे? जी 24 घंटे में वापस कर दूंगा। दोबारा बोलना सर। आई प्रॉमिस यू। प्रॉब्लम होगी, देखा अभी अभी डॉक्टर के पास ही आ रहा था, कान में कुछ गड़बड़ है, फिर लगता सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। नमस्ते। ये भी चला गया, कोई बात नहीं, सैलरी का चेक तो है मेरे पास। मेरा चेक कहाँ गया? मेरा चेक। देश पांडे। अंधा चुप। पांडे कहाँ जा रहे हो? देश पांडे के घर। अरे वो तो कॉलेज गया होगा, क्यों बात क्या है? अरे 24 घंटे के लिए 3,000 रुपए लेके गया था, आज 3रा दिन है, कॉलेज में जाओ तो प्रैक्टिकल के बहाने खिसक जाता है, घर पे जाओ तो बीमारी का नाटक करता है। अरे यार तुम एक काम क्यों नहीं करते, प्रोफेसर शीतल उसकी वीक पॉइंट है, उसकी मदद क्यों नहीं लेते? लेकिन कैसे? अरे भाई जू, मेरे होते हुए डरने की क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे यार मैं तेरे एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा यार? 10% कमीशन देंगे। 10% कमीशन। शीतल जी क्या बात है, आप रो रही है? एनी प्रॉब्लम? क्या हुआ? मेरी तनख्वाह। ओहो हो, और मैं सोच रहा था मुझे ही सिर्फ तनख्वाह पे रोना आ रहा है। नहीं नहीं, मेरी तनख्वाह खो गई है। खो गई है? वैसे इस बार कितनी तनख्वाह मिली थी आपको? 3,000 रुपए। मुझे भी इस बार काट कुट के 3,005 रुपए ही मिले थे। मेरे डैडी मुझे बहुत डांटेंगे, मैं मम्मी को डॉक्टर के पास कैसे ले जाऊंगी? डॉक्टर के पास? आपकी मम्मी को क्या हुआ है? ठंडा बुखार। ठंडा बुखार? क्या हुआ? नहीं मैं सोच रहा था इस बीमारी के बारे में सिर्फ मैं ही जानता हूँ। शीतल जी आप रोइए मत, रोइए मत, आपके 3,000 रुपए मैं दूंगा। लीजिए। नहीं नहीं, आपकी बीवी क्या कहेगी? अरे क्या कहेगी, जब ट्रेन में मेरी जेब कट ही चुकी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। लीजिए लीजिए। कमाल, जेब कट गई। सुसु डार्लिंग। क्या हुआ लालू? मेरी पूरी सैलरी चली गई। सैलरी चली गई? कैसे? किसी ने मेरी जेब काट ली। कहाँ? कॉलेज में। कॉलेज में? नहीं लोकल ट्रेन में। आजकल जेब कतरे इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए हैं। लेकिन चोरों को कैसे पता चला कि आज तुम्हारी सैलरी हुई है? वो क्या, ऐसे में लोकल ट्रेन में सिंपल सा खड़ा था ऐसे जेब पर हाथ रख के, ताकि किसी को डाउट ना हो, लेकिन उनको डाउट आ गया और उन्होंने मेरी जेब पर ब्लेड मार ली। ये देखो। तुम्हारे हाथ को नहीं लगा? वो नहीं, हाथ उठा के ब्लेड मारी ना इसलिए। एक और नाटक। क्या बात कर रहे पांडे जी, मेरी लालू की सैलरी चोरी हो गई है। अच्छा, ओहो हो, कोई बात नहीं देश पांडे, अगले महीने दे देना मेरे 3,000 रुपए। पांडे पूरी सैलरी यहाँ रखी थी, यहाँ
ताकि आज मैं तुझे पैसे लौटा सकूं, लेकिन जेब काट लिए थे एक ब्लेड मारी किसी ने। देश पांडे जी, शीतल जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपको बताने के लिए आई हूँ कि मुझे मेरे पैसे मिल गए। ओह, मतलब तुम्हारे पैसे भी चोरी हो गए थे क्या? नहीं नहीं, वो तो मैं कहीं भूल गई थी, मुझे पांडे जी और जोशी जी ने ढूंढ के दिए। लेकिन देश पांडे, तेरे जैसा दरिया दिल मैंने कहीं नहीं देखा। जानते हो सुष्मिता, जब शीतल जी घबरा कर रोने लगे कि उनकी तनख्वाह कहीं खो गई है, देश पांडे ने अपनी तनख्वाह से 3,000 रुपए निकाल कर उन्हें दे दिए। मतलब देश पांडे, तूने अपनी बीवी को भी बंडल मारा कि तेरे 3,000 रुपए चोरी हो गए? ऐश्वर्या कभी ऐसा बंडल बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुसु डार्लिंग, दरअसल डार्लिंग के बच्चे, इन्हें जाने दो, अभी देखती हूं तुम्हें। चलो भाई चलो, यहाँ चलते हैं, सुष्मिता को इसे पीटना है। शीतल जी, वो 3,000 रुपए वो तो मैंने पांडे जी को दे दिए थे आपको लौटाने के लिए। देश पांडे, ऐसा समझ की वो 3,000 रुपए मुझे मिल गए हैं, वैसे भी तूने ऊपर वाली जेब में रखे थे ना। ऐसे पांडे,